ओके सो हे गाइस, दिस इज एक्सप्लेन एक्स। गाइस, मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है कि जीन की मदर जून कजामा अभी भी जिंदा है, बट मैंने आपको इसके बारे में कभी भी ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार जून कजामा के साथ क्या हुआ है, जून की डेथ हो गई है या जून मिसिंग है, और अगर जून मिसिंग है तो जून अब तक कहाँ है। एंड वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं टेकन 8 की भी बात करूंगा जो जून कजामा से रिलेटेड होगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको जून कजामा की स्टोरी का एक छोटा सा रिकैप दे दूं। जून WWWC वाइल्ड लाइफ प्रोटैगनिस्ट नामक एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा काजुया के गलत एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है, जिसे रोकने के लिए जून को द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 2 में पार्टिसिपेट करने को कहा जाता है। टूर्नामेंट के दौरान जून और काजुया एक दूसरे के करीब आ, जून काजुया द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है और हिहाची और काजुया के बैटल में काजुया की डेथ के बाद जून यहाँ से दूर जंगलों में रहने का फैसला करती है और कुछ समय बाद अपने बेटे जिन को जन्म देती है। अब लगभग 15 साल बाद जिन काफ़ी बड़ा हो गया है कि तभी एक दिन ओगर जून और जिन पर अटैक कर जिन को बेहोश कर जून को जान से मार देता है। जिन को होश आने पर जिन अपनी मदर को काफ़ी ढूंढता है, पर जून का नाम मिलने से जिन सोचता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, एंड यहीं से जून मिसिंग है और जून इसके बाद की टेकन की सीरीज़ में नहीं दिखाई देती है। तो आखिरकार जून का क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं उन फैंस की बात करूँगा जिनको लगता है कि जून कजामा की डेथ हो गई है एंड उनको ऐसा क्यों लग रहा है, उस रीज़न के बारे में बात करूँगा। टेकन 3 आर्केड ओपनिंग इंट्रो में फैंस ने जब इस फुटेज को देखा जिसमें ओगर ने किसी का कटा हुआ सर अपने हाथों में पकड़ के रखा था, कटे हुए सर को देखने से लग रहा था कि सर पर लंबे बाल हैं और सर जून कजामा से मैच कर रहा है, और फुटेज को देखने से लग रहा था कि ये वही मोमेंट हो सकता है जब ओगर ने जून पर अटैक कर जून का सर काट दिया हो। अब जून पर काफ़ी बहस होने के बाद फाइनली फैंस ने टेकन प्रोड्यूसर कैट्सुहिरो हारारा से पूछा, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर बताया कि ओगर ने जिसका सर पकड़ा है वो सर जून कजामा का सर नहीं है, और ये भी बताया कि जून की डेथ नहीं हुई है, जून बस मिसिंग है। जिन की थिंकिंग की वजह से सिर्फ जिन को लगता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। इस बात से फैंस को कन्फर्मेशन मिल गई कि वो सर जून कजामा का नहीं था और जून अभी भी जिंदा है। तो बात ये आती है कि जून इतने टाइम से कहाँ है? टेकन 7 में जिन की एज 26 साल है और जब जून गायब हुई थी तब जिन 15 साल का था, इसका मतलब लगभग 10 या 11 साल हो गए और जून अभी भी गायब है। तो जून आखिर कहाँ है? इस पर कुछ थ्योरीज निकल कर आती हैं एंड ये थ्योरीज अननोन से रिलेटेड हैं। काफ़ी लोग मानते हैं कि जून ही अननोन है, इसलिए ओगर के अटैक में जून अननोन द्वारा सरवाइव कर गई थी, जिसके बाद अननोन जून पर हावी हो जून को अपने कंट्रोल में रखती है। इसी रीज़न की वजह से जून अभी भी गायब है, क्योंकि अगर जून ओगर के अटैक के बाद अननोन के कंट्रोल में नहीं होती तो जून अपने बेटे जिन के पास ज़रूर आती। वैसे मैंने इस थ्योरी पर अननोन की स्टोरी में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड थ्योरी की बात करें जो जी कॉरपोरेशन और काजुया मिशिमा से रिलेटेड है, जिसमें माना जाता है कि काजुया को जून के बारे में सब पता है। इस थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि जैसे जी कॉरपोरेशन को टेकन 4 के दौरान काजुया की बॉडी मिली थी, सेम वैसे ही जी कॉरपोरेशन को जून कजामा की बॉडी मिली होगी, एंड काजुया जब जी कॉरपोरेशन का हेड बना तब काजुया को जून के बारे में सब पता चल गया, जिसके बाद काजुया ने जून प्लस अननोन को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया हो या फिर जून को कैद कर लिया हो। यहाँ जून को कैद करने का रीज़न इसलिए है ताकि टेकन 8 में काजुया जिन के खिलाफ जून को यूज़ कर सके, क्योंकि कुछ भी हो जाए पर जिन अपनी मदर जून कजामा पर हाथ नहीं उठाएगा। बट जून अननोन के कंट्रोल में होने के कारण अननोन एक सेकंड नहीं रुकेगी जिन को मारने में। एंड यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि टेकन 7 सीजन 2 के बाद से फैंस ने काफ़ी डिमांड की थी कि जून कजामा का रिटर्न किया जाए, बट अब तो टेकन 7 सीजन 4 आ गया है बट हमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग करेक्टर जून कजामा का रिटर्न नहीं देखने को मिला है। तो इससे साफ जाहिर है कैट्सुहिरो हारारा ने जून को टेकन 8 के लिए बचा कर रखा है, एंड काफ़ी लोगों का मानना है कि टेकन 8 में जून का सरप्राइजिंग रिटर्न किया जाएगा ताकि जून जिन और काजुया के बैटल को रोक सके। अब ये तो
हमें टेकन 8 में ही पता चलेगा कि टेकन 8 में जून का रिटर्न कैसे किया जाता है और जून जिन और काजुया के बैटल को कैसे रोकती है। एंड अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।